two, give me your loyalty. That's two, give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज निकला हूँ एक लॉन्ग राइड पे, मतलब नहीं भी बोले तो भी 350 किलोमीटर के आसपास की राइड रहेगी टोटल, मतलब अप एंड डाउन दोनों। तो बहुत दिनों के बाद निकला, और पहले जैसे घर से निकला सबसे पहले लाइट जली हमारी फ्यूल की। तो पहले बाइक को जो है फ्यूल टॉप अप करते, और मेरे को लग रहा है कि हवा पूरा बैठ गया, क्योंकि मैंने लगभग 10-15 दिन से बाइक को हाथ ही नहीं लगाया था, खड़े खड़े पूरी हवा उतर गई है मेरी। अब ये टायर मेरे को लग रहा है चेंज करने पे आ ही गया। तो पहले अभी मैं जा रहा हूँ, फ्यूल अप कर रहा था बाइक को, हवा भरता हूँ अच्छे से, और डायरेक्ट निकलेंगे, क्योंकि मेरा प्लानिंग था ये 6:30 बजे निकलने का, 7:30 होने आ गया अभी। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट निकलना है मेरे को भी। पीछे भी 34। चलो अभी पूरा सॉर्टेड हो गया हूँ, बाइक भी फ्यूल अप हो गई, हवा भी सही हो गई, अभी सही लग रहा है। अभी राइड नॉन स्टॉप निकलेगी अपनी। तो राइड हमारी स्टार्ट हो गई है यहाँ से पूरी, और क्लाइमेट एकदम सुकून वाला है, ठंडी हवा चल रही है एकदम, ना धूप ना कुछ, एकदम सॉर्टेड। बट आगे का बोल नहीं सकते, क्योंकि कल ही न्यूज़ में देखा था कि पुणे साइड बारिश हो रही थी कल, और आज हम लोग जिधर जा रहे हैं वो साइड का भी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उधर भी बारिश मिल सकती है। देखते हैं अभी, मैं तो ऐसा कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, क्योंकि मेरा पूरा माइंड सेट ये है कि बारिश नहीं होगी, बट फिर भी नेचर का कुछ बोल नहीं सकते। तो डिस्टेंस के श्योरिटी के लिए मैंने अभी JNPT रोड से अपना ट्रिप जो है ज़ीरो कर दिया है, तो किलोमीटर्स भी पता चल जाएगा कि सच में मैप में जितना दिखा रहा था उतना ही है क्या, कम ज़्यादा है कुछ। तो इसमें मेरे एरिया क्या इधर से लेकर इधर तक का उसमें ऐड नहीं होगा, चलो वो मैं अंदाज़ा बता दूँगा एंडिंग में। बट पूरा फॉग है देखो उधर, और थोड़ा सुबह जल्दी निकलता तो पूरा और ज़्यादा फॉग मिलता, और सनराइज़ देखने के मिलता था, कोई नहीं। क्लाइमेट वैसा एकदम चिल है, और आज की राइड मैं बता रहा हूँ तो एक हिसाब से मैं अभी लॉन्ग राइड के लिए फिर से प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था लॉन्ग राइड, तो छोड़ो मैं अभी शॉर्ट्स राइड भी नहीं हो पा रहे थे। तो आज की इसके लिए मैंने अभी सोचा कि एक 350-350 किलोमीटर की एक राइड सोच रहा था मैं, तो बोला चलो इससे चालू करते, क्योंकि कुंभे वाटरफॉल यहाँ से आराम से जो है 150-200 के आसपास है मेरे एरिया से, मतलब रिटर्न में वो 350-400 तक जा सकता है। तो मैं बोला चलो लॉन्ग राइड का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि अभी जल्दी, बहुत जल्दी मेरा एक लॉन्ग राइड होने वाला है, और वो फॉर श्योर होने वाला है। और इस बार जैसे कि लास्ट टाइम मैं हर साल बोलते एक ही स्टेट कवर करता हूँ, तो इस बार भी एक नया स्टेट कवर करूँगा। तो बने रहो, आपको आगे आगे तो वैसे अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि उस राइड के लिए मुझे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने रहेंगे, बाइक में भी मेंटली भी खुद को स्टेबल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड हो जाएगा मेरे लिए, इतना लॉन्ग मैंने नहीं किया था अभी तक, बट हो जाएगा। बाकी सनराइज देखो, they'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me.
they'll be calling me royalty. यहाँ से अभी लेना है राइट और ये जाएगा पाली। यस, और ये रूट से मैं पहली बार जा रहा हूँ पाली, क्योंकि मैं नॉर्मली जब जाता था वो मुंबई गोवा हाईवे से ही जाता था, बट आज पहली बार ये रूट से जा रहा हूँ। देखते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने का मिलेगा। ओह, कुछ ज़्यादा ही नया हो जाता। अब जाके थोड़ा रोड अच्छा मिला है, तो इतने ब्रेकर और कैसा है उधर से आने के टाइम में लोकल सिटीज़, तो मतलब बीच में छोटे मोटे लोकल गांव है ना, वो क्रॉस करने के लिए बहुत एक्टिक लगता है, क्योंकि उधर सब ब्रिज एंड ऑल का काम चल रहा है। और अब भी तारीफ किया था जस्ट, रोड तो मस्त सीनिक है, मगर पूरा बोलते ना मार्शेज वाला फीलिंग दे रहा है, क्योंकि सिंगल लेन रोड है ये पूरा, ना इसमें ओवरटेक करने के लिए जम रहा है, और चुपचाप एक एकदम कम मतलब 40-50 पे ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी गाड़ी आ रही है, तो एकदम शांति से अपना एक ही लेन में चलना है। बहुत दिनों के बाद बाइक निकला इसलिए, बट कुछ तो मेरे को गाड़ी में सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रेव लिमिटर बहुत जल्दी ब्लिंक हो रहा है, गाड़ी 6000 के ऊपर RPM ले नहीं रही है। ये होता है जब गाड़ी ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी रखो, जब निकालो उसको राइड पे, तो कुछ ना कुछ तो देती ही रहती है। तो कब से वही फील कर रहा हूँ, मैं अगर गाड़ी खींच रहा भी हूँ, तो गाड़ी रहो कितने 5000 रुपये लिमिटर दे रही है, 5000 के ऊपर गाड़ी जाने का नाम ही नहीं ले रही अभी, आई 6000 तक आई। इशू है अभी 8000 तक गए, मगर बीच में वो 6000 भी क्रॉस नहीं कर रही थी, कुछ तो इशू है, वो जाने के बाद चेक कराना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी लॉन्ग राइड को जाने के पहले बाइक पूरी ओके चेक, गुजरात में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि तब मैंने सब चेक किया था, बस बैटरी का चेक करना रह गया था, बैटरी उड़ गई थी तब मेरी राइड पर, और उसकी वजह से मैंने जो स्ट्रगल किया था ना वो नेक्स्ट लेवल किया था मैंने, क्योंकि तब मुझे समझा नहीं था वो बैटरी का इशू था करके, देखते इसको जाके चेक करा लेंगे। वैसे अभी अपडेट दे दो, अभी मैं वो पाली में, हाँ पाली पहुँच चुका हूँ वैसे मैं, अभी यहाँ से हार्डली मेरे को लग रहा है 70-80 किलोमीटर से रहना चाहिए, 70-80 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70 तो रहेगा ही मेरे हिसाब से। क्या दे रही है बाइक भी यार, बीच में कभी एकदम अचानक से पावर एकदम मिल रही है, फिर पावर ड्रॉप हो रही है, क्लच का इशू है क्या है अभी वो मेरे को देखना पड़ेगा, तो मेरे एक्सेलेटर वायर का इशू है। क्या व्यू दिख रहा है यार, सामने पहाड़ देखो,
पे जब से लगा तब से अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है, वरना पाली के पहले तो क्या ही भूल यार। अभी रोड थोड़ा मस्त मिला यार, फुल देखो ना पूरा ओपन, बीच में एक लेन, राइट। तो अभी हम लोग है पाली में, पाली मतलब पाली के अंदर से ये रोड जा रहा है। बहुत से लोगों को ये रोड देवकुंड जब जाते हैं, देवकुंड हो गया, फिर बाद में और क्या हो गया देवकुंड साइड पे, क्योंकि यही रोड से आना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं ये रोड पे आया था मुंबई को हाईवे से एक बार, बट आज इस बार ये रोड से है हमारे। सो एक मस्त जन्नत दिखा, तो पहले तो बाइक देख लो अपनी क्या दिख रही है, देखो यहाँ पे, और क्या व्यू है ये। अभी पानी बंद है इधर, वरना जब देवकुंड आया था ना मैं तो इधर से पूरा पानी फ्लोमिंग था, और ये बहुत नीचे हो गया, वरना बहुत ऊपर तक पानी था लास्ट टाइम जब आया था। तो बाकी क्या दिख रहा है देखो व्यू, बहुत गर्म हो रहा है, बाकी कुछ नहीं पूरा सही चल रहा है, बस गर्म बहुत, धूप देखो, ओह टेल टाइड भी मस्त दिख रही है। तो चलो ज़्यादा रुक के मतलब नहीं, क्योंकि गर्म ही उतना हो रहा है अभी तक नहीं बोले तो, अभी 30-35 किलोमीटर है इधर से, तो वो कवर करते फटाफट, लेट्स गो। निकाल के हो गया उधर से, आपको स्टोरी तो मेरी आईजी पे मिल जाएगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा रहेगा इधर, तो आप लोग उधर जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में कैसा है एक दिन डिले चलता है ना, पहले ये इंस्टा पे अपलोड होता है फिर यूट्यूब पे आता है वो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। और अभी मैं हूँ ये, मेरे को लग रहा है ये वाला जो रोड है ना ये तामिनी घाट वाला रोड है, क्योंकि वहाँ से दो रोड आते हैं, एक देवकुंड जाता है और एक तामिनी घाट, और मेरे को लग रहा है अभी हम लोग ये तामिनी घाट वाला रोड है, क्योंकि हम लोग ने राइट किया था वहाँ से, लेफ्ट वाला तो भीरा गाँव यानी कि देवकुंड जाता है। बाकी रोड बहुत सीन है, बस थोड़ा धूप ज़्यादा लग रही है इधर, धूप कम रहती ना तो फिर और सॉर्टेड लगता था। और फुल पीस है इधर, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा पब्लिक नहीं कुछ नहीं, एकदम शांति। कैसे छोटे छोटे घर बना के रखे यार, देखो घर देखो, बट बोलते ना पूरी दुनियादारी से दूर, कुछ लेना नहीं देना नहीं किसी से कुछ नहीं, बस अपने घर में आओ, अपना जाओ खेतों में काम करो, आओ एकदम शांति से सो, ग्लास गन्ने का जूस पियो, अब जाके बॉडी एकदम शांत हो गई, वरना इतना गर्म से एग्जॉस्ट फील हो रहा है ना, क्योंकि धूप है, सुबह में इतना जल्दी निकलने के बावजूद इतनी धूप मिल रही है। और धूप की वजह से ज़्यादा मतलब राइड में ना थकावट फील होती है, क्योंकि गर्म ही इतना हो रहा है। जो सबसे अच्छी अभी तक लग रही है वो है रोड, रोड ज़रा भी ख़राब नहीं, मतलब देखो कितना सही रोड है। बस वो पाली वाला, मतलब पाली भी नहीं, उसके पहले वाला जो पोर्शन था ना उतना ही बस अब कच्चा मिला था, बाकी पूरा रोड एक नंबर है, यहाँ पे फुल सीनिक रोड है। अब पता नहीं क्यों अभी बस 11 ही बज रहा है, बट धूप तो ऐसी वजह से दोपहर में 2-3 बजे घूम रहा हूँ मैं। अभी 27 किलोमीटर कुछ तो बाकी था, जिसमें गूगल मैप बता रहा था कि 48 मिनट कुछ तो लगेगा, बट मेरे को नहीं लगता 48 मिनट लगेगा अगर ऐसा ही रोड है तो, क्योंकि चलाने में भी फुल मज़ा आ रही है ना, फुल स्नेक वाला रोड है ये रोड। ये मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आ रहा है ऐसा हो गया अभी, क्योंकि रोड इतने सीनिक आ रहे हैं ना यार, और अभी तक तो सबसे मेन पोर्शन आना बाकी है। हाथ पाँव धो लिया, मस्त ठंडा पानी था एकदम, फुल फील लग रहा है अभी, जितना एग्जॉस्ट हो गया था ना पूरा अभी क्लियर हो गया, एकदम सुकून।
और डिस्टेंस अभी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 5-6 किलोमीटर ही है, बस रोड पूरा ऐसे ही है, इसके लिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इतना तो कर ही लेंगे यार। लग रहा है देखो, फुल बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से बाइक चल रही है, और जितना सोचा था उससे ज्यादा गंदा रोड है ये। आगे का टायर तो पूरा चला गया है, बट बेचारा अभी तक साथ दे रहा है, अब वो लगा था ये पहले ही पंचर हो जाएगा, और आज तो मैं पंचर किट भी कैरी नहीं किया, तो नॉर्मली मैं करता हूँ, बट इस टाइम मैंने पंचर किट भी कैरी नहीं किया था, और हम बहुत ऊपर गए हैं। ऐसा डेंजर रोड है, बारिश में तो भाई पक्का लैंडस्लाइड हो गया, पत्थर गिरे हुए दिख रहे, मतलब लैंडस्लाइड तो होता है इधर। इसके लिए मैं एक्चुअली मानसून में ही राइड किया, मैंने प्लान किया था राइड का, बट हर बार बारिश देख देख के मैं रुक रहा था, क्योंकि ये लॉन्ग राइड थी अच्छी, और बस सही लग रहा है कि अच्छा हुआ तब नहीं आया था, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा रिस्की राइड हो जाती है। और There are some riders as well. I think they are Punekars. Oh, अच्छा खासा ग्रुप है यार। मेरे एंट्री के लिए रुके थे लगता है ये लोग। अरे वो मेरे को वेलकम करने के लिए रुके थे, और ये रहा थे टनल, ये रहा कुंभे वाटरफॉल का टनल। ओ हो हो, क्या टनल है यार। आपको जाना है? हाँ जाना है मेरे को। हाँ जाओ जाओ। अच्छा सेम है ना, लाइट लगाओ भाई, लाइट लगाओ। हाँ सब लोग तो बोल रहे बहुत ज़्यादा अंधेरा है अंदर। सो हियर वी गो, ओ मेरा स्मोक वाइजर खोलना पड़ेगा अभी। माय गॉड क्या ठंडी हवा लग रही है इसके अंदर, और आवाज तो क्या गूंज रहा है, पूरा अंधेरा है यार अंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर तो। एक बार रेव बनता है, लाइट के तो पैसे वसूल हो गए अपने, बाकी फुल डेंजर है यार ये, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा इधर। एकदम अलग है यार, एकदम अलग है ये। और ये हम लोग आ गए अभी बाहर, एकदम अलग एक्सपीरियंस था यार ये। और देखो फुल पानी गिर रहा है इधर से, ये
नाइस यार नाइस। ओहो हो तो इधर रैपलिंग भी होती है। चलो पहले इसे एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसका फ्रंट व्यू वो साइड से किधर से आएगा, आई गेस उधर से किधर से। तो चलो ये एक्सप्लोर कर लेते पहले। They'll be calling me royalty. ऑलराइट सो चलो बहुत रुक लिया इधर, मस्त है मगर ये बहुत रिस्की चीज़ है और बहुत हिम्मत वाली भी। करेंगे इंशाल्लाह एक दिन अपन भी करेंगे ये। आज पूरा मेरा मन तो बन गया तय करने का, बट मैं उस तैयारी से नहीं आया इसके लिए आज नहीं। अब गाड़ी बहुत गलत जगह पे रखा दिया मैंने। कुंभे वाटरफॉल के लिए इधर से किधर से तो दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा धूप है इधर लिटरली, मतलब पूरी हालत हो गई है अभी। यहाँ पे भी गाड़ी लगी है, मतलब यही से किधर से तो पॉइंट है वो। चलो देखते आज टायर में पंचर लेके जाऊंगा, मेरे को लग रहा है आज। गाड़ी के तो निशान दिख रहे हैं यहाँ पे, और बाइक इधर आई भी है तो पहले किधर मस्त। ओहो क्या व्यू दिख रहा है इधर से। ऑलराइट सो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है मैंने, छाव मिल गई थी अच्छी खासी तो इधर बाइक पार्क कर दी है, और पूरा जैकेट वगैरह सब निकाल लिया हुआ अभी बैग में रख लियो। बैग का वज़न बहुत अच्छा खासा हो चुका है, और आज की डेस्टिनी देख लो, अभी हम लोग को जाना है वो वाले पॉइंट से उधर तक। उधर से जो व्यू आएगा ना कुंभे वाटरफॉल का, नेक्स्ट लेवल रहेगा वो। अभी पूरा हो गया है, चलो सॉर्टेड चलते हैं अभी करते। यस यस चलो हो गया ये लगेगा पेट में। इसे बस इतना कवर किया है अभी तक, तो बहुत बाकी है। ऊपर से जीन्स डाल के आया वो, इतना तो स्मार्ट हूँ।
गया मेरा अंगूठे का नाखून गया। ले क्या है देखो, यहाँ से वो झाड़ के इधर से रोड जाने वाला है। सो फाइनली गाइस आई डिड इट। व्यू देखो, पूरा कुंभे वाटरफॉल यहाँ से दिख रहा है। और क्या डीप है ये, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा डीप है। और क्या व्यू है देखो इधर से, मगर टफ है। मगर तो वो लोग के लिए लग रहा है जो लोग उधर से रैपलिंग करके नीचे गए फिर उधर से इतना चढ़ के आए हैं ऊपर तक, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट लेवल था बाकी। अभी थोड़े देर में इधर रुकूंगा, थोड़ा फोटो शूट करता हूँ, रील के लिए देखता हूँ, फिर निकलेंगे। पंछी देखो आज अपने नीचे पंछी चल रहे। पूरा ट्रैक हो गया हमारा और एकदम वर्थ चीज़ है। मतलब आप लोग को समझा रहेगा वीडियो में कि कितना सही जगह है, बट रिस्की भी है प्लस हालत कर देता है कसम से। पूरा इतना एग्जॉस्ट हो गए थे ना, क्योंकि हमने हमारा पानी किसी और को दे दिया था, वो लोग भी बहुत एकदम एग्जॉस्ट होकर आ गए थे, क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी रैपलिंग करके फिर चढ़ के आए थे। तो हम लोगों ने एक बॉटल उन्हें शेयर कर दिया और एक मैंने किया। अभी ऊपर आके मस्त जो कुदरती पानी गिर रहा है इसमें हम लोगों ने फ्रेश और अब एकदम चिल हो गया। तो बस अभी निकलने का है, बाकी की स्टोरी आप लोगों को ब्लॉग पे आगे मोटो ब्लॉगिंग में बताता हूँ। ऑलराइट, सो ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है अभी, क्योंकि पूरा वाइंड अप कर लिया, मस्त फ्रेश हो गया, थोड़ा चिल किया और अभी फाइनली घर के लिए रिटर्न निकल चुका हूँ। हाँ बाकी मज़ा आ गया यार, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही हालत करने वाला है। एक तो मैं बहुत टाइम के बाद राइड किया, उसमें लॉन्ग राइड, उसमें हमने ट्रैक किया, मतलब फुल हालत। और अभी तक यहाँ पे से अभी घर जाना है, मतलब आज तो पूरा थकने वाला हूँ, बट मज़ा आया यार। आई होप आपको भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है इस ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन से टाइप के ब्लॉग्स पसंद है। ऐसे ट्रैवल सीरीज़ आपको पसंद है या फिर आपको मॉडिफिकेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको चाहिए, मुझे कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट चेक करता हूँ ताकि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, क्योंकि वैसे भी अभी मैंने एक लॉन्ग राइड का प्लान तो किया हो, तो जल्दी आपको एक लॉन्ग राइड की एक सीरीज़ मिलेगी देखने के लिए, एक नया स्टेट देखने के लिए मिलेगा। तो कमेंट में बिल्कुल बताना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।